मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वंचित बहुजन अघाड़ी ने आज CAA, NRC और केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। बंद को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे, मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर समेत कई जिलों में सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए थे, मगर बंद के दौरान घाटकोपर में बेस्ट की बस में तोड़फोड़ हुई और आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने जबरन बंद कराने की कोशिश की। गाड़ियों में आने जाने वालों को जबरन रोका जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इसी तरह ठाणे में भी CAA का विरोध VBA कार्यकर्ता सड़कों पर लेटकर कर रहे थे, जिसके बाद इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लगभग बंद का असर देखा जा रहा है। VBA के 4 कार्यकर्ता अब तक पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। अब तक महाराष्ट्र की बात हम करें तो CAA का विरोध महाराष्ट्र में लगभग शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, मगर आज बंद के दौरान घाटकोपर में बेस्ट की बस में तोड़फोड़ हुई। एक कोरला स्टेशन से चेंबूर स्टेशन जा रहा था, गाड़ी स्टॉप पे खड़ी थी, पैसेंजर उतर रहा था, टाइम पे सामने से एक लड़का मुँह पे रुमाल बांध के आया और अचानक उसने हल्ला किया और मार के भाग गया। प्रवासी गाड़ी भर ले होते, ड्राइवर को कांच अंदर हाथ में घुसा है, मार लगा थोड़ा सा और एक दो चार पाँच मिनट में पहुंच गया। ड्राइवर को पत्थर मारा, वो ड्राइवर केबिन में अंदर आया, वो पत्थर मार दिया। वही ठाणे में भी ज़्यादा बंद का असर देखने को मिला। प्रदर्शनकारी सड़क पर ज़्यादा नजर आए। प्रकाश अम्बेडकर खुद मुंबई में CAA का विरोध कर रहे हैं। वहीं कुर्ला स्टेशन पर RPF का CAA के आंदोलनकारियों के खिलाफ फ्लैग मार्च कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो। वहीं महाराष्ट्र के अकोला में CAA के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे थे, लोग आज़ादी के नारे लगा रहे थे, तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लिया और लाठी चार्ज किया। आज नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी का महाराष्ट्र बंद रहा और लगभग ये बंद का असर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।